वेलकम टू माय चैनल। तो हम वापस आ गए अपने नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो आप लोग लगातार पूछ रहे थे कि भैया इसका सिलेबस क्या है, सिलेबस बता दीजिए, बुक्स बता दीजिए। तो सॉरी फॉर लेट, पर फाइनली हम आ गए। तो अगर आप सिलेबस के बारे में बात करें, तो क्योंकि CUET बिल्कुल ही नया है, 2023 में इसका ये दूसरा सेशन होगा। इसका पहला सेशन 2022 में हो चुका है। तो इसमें हम लोग जो सिलेबस देखें, तो ये जो लिखा हुआ है, इसमें आपका इंग्लिश है, लीगल रीजनिंग है, स्टैटिक जीके है, करंट अफेयर है, मैथ है, ये सारे पिछले साल सॉरी 2022 में आ चुका है। तो ये आपका एक पार्टिकुलर सिलेबस है। अगर CUET की बात करें तो उनका, BHU की बात करें तो उनका एक पार्टिकुलर क्वेश्चन होता था पहले, CUET के पहले NTA के पहले। तो अब ये सिलेबस है। तो मेरे ख्याल से इस बार 2023 के लिए कोई न्यू नोटिफिकेशन आया नहीं कि दे विल चेंज द सिलेबस, बट फॉर इफ़ दे हैव नो एनी नोटिफिकेशन फॉर चेंजिंग द सिलेबस, तो आपके लिए सोचो कि यही एक सिलेबस है आपके लिए। तो पिछले साल के एक क्वेश्चन पेपर एनालाइज अगर करने पर, मैं खुद एनालाइज नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास कोई क्वेश्चन पेपर आया नहीं था। तो बाकी जो बच्चे लोग थे उनसे बात करने के बाद मुझे जो डाटा मिले अब तक, उसमें इंग्लिश से क्वेश्चन 25 से 30 नंबर क्वेश्चन था। उसके बाद पहले ये बता दो कि पर क्वेश्चन टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। 100 क्वेश्चन में पर क्वेश्चन 4 मार्क कंटेन करता है, और अगर एक गलती हो तो एक नंबर कटता है, -1 होता है नेगेटिव मार्किंग। तो 100 क्वेश्चन में से इंग्लिश में 25 से लेकर 30 के बीच में आपका क्वेश्चन आया था इंग्लिश का। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग से 20 से 22 के बीच में क्वेश्चन था। स्टैटिक जीके से आपका उसमें भी 20 से लेकर 22 तक, एंड करंट अफेयर ज़्यादा नहीं था, 5 से 7 के बीच में आपको क्वेश्चन देखने को मिले था। एंड मैथ 20 क्वेश्चन था। तो ये पूरा क्वेश्चन का सिनारियो है, जो 100 क्वेश्चन में से ये सारे चैप्टर के क्वेश्चन है। तो आप डिसाइड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि इसे तो सभी विषय आपके लिए इम्पोर्टेंट ही है, लेकिन आपको इससे नंबर को भी अकॉर्डिंग भी देख के चलना होता है। अगर बुक्स की बात करें तो इंग्लिश के लिए एक बुक होता है SP बक्सी, यू कैन सी दिस बुक SP बक्सी। ये बुक बहुत सुंदर है एंड बहुत अच्छा भी है। यहाँ से आप सिनोनिम्स, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस इम्प्रूविंग, करेक्शन, ये सारे चीज़, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स LLB या फिर CUET एंट्रेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में मेजर क्वेश्चन आते हैं तो आपको सब कुछ देखना होता है। तो आपको SP बक्सी बुक से सब कुछ मिल जाएगा। यू कैन एनालाइज एवरी टॉपिक एंड रीड वेरी केयरफुली। उसके बाद अगर आप बात करें लॉजिकल रीजनिंग, अगर लॉजिकल रीजनिंग में भी 20 से 22 क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ सेंटेंस स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं, idioms, इसमें भी करेक्शन आते हैं, एंड अब देखिए पजल्स आते हैं, ये सारे क्वेश्चन आते हैं लॉजिकल रीजनिंग में। तो आपको इसके लिए RS अग्रवाल बुक मिलती है, वहाँ से आप लोग लॉजिकल रीजनिंग अपने पूरा तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद स्टैटिक जीके में ही आपको बहुत कुछ पढ़ना होगा। जीके यानी कि आपको वहाँ हिस्ट्री पढ़ना होगा, ज्योग्राफी पढ़ना होगा, साइंस पढ़ना होगा। इवन तो वहीं पे आपको कंप्यूटर साइंस मिलेगा, नॉट कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर जो क्वेश्चन पूछते हैं कंप्यूटर मिलेगा। वहीं पे आपको लीगल भी मिलेगा। इवन तो इस बार 2022 में हम लोग को देखने को मिला कि लीगल का कोई क्वेश्चन ही नहीं था, बट पॉलिटिकल साइंस आप बोल सकते हैं, जहाँ से आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके में आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने होगा। इवन तो BHU, अगर आप BHU में एडमिशन ले रहे हैं तो आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना पढ़े तो कोई मतलब ही नहीं होता। तो आपको मेजर टॉपिक हो जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो जीके पार्ट में आता है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप जीके के लिए बोले तो लूसेंट बहुत अच्छी बुक होती है, लूसेंट आप देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाता है, आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। एंड उसके बाद अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर पढ़ना है तो ये मत कीजिए कि जो UPSC एस्पिरेंट लोग जो पढ़ते हैं लक्ष्मीकांता पूरा उसको पढ़ने लगे, ना भी पढ़ने का जरूरत नहीं है। आप मेजर समझ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल्स होते हैं, फिर पार्लियामेंट्री, फंडामेंटल राइट्स, ये सबको अच्छे से अगर पढ़े हैं तो मेरे ख्याल से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पोर्शन वहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। एंड एक बुक होता है यूनिवर्सल का, MCQ बुक मिलता है वहाँ। बस MCQ नहीं रहता वहाँ पे, आपको डिटेल सब कुछ दिया रहता है।
इवन तो आप वहाँ से जीके पढ़ सकते हैं, अदर सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, वहाँ के एमसीक्यू रहते हैं, उसके साथ आपको प्रीवियस ईयर दिल्ली यूनिवर्सिटी एनएलयू सबका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया रहता है, उसके सॉल्विंग भी दिया रहता है, सो यू कैन प्रैक्टिस एमसीक्यू फ्रॉम देयर, वेरी नाइस। तो ये आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, ये बुक होता है यूनिवर्सल का, आप ये बुक खरीद के भी आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, एंड ऑल्सो लूसेंट इज देयर, तो आप उस वहाँ से भी अपना जीके कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखें करंट अफेयर देखिए, ऐसा करंट अफेयर अगर इफ़ एनी पर्सन रीडिंग देयर हैव ए हॉबी और हैबिट टू रीड न्यूज़पेपर, तो मेरे ख्याल से ये तो क्या बोलते सोने पे सुहागा की बात है कि दे हैव वेरी गुड हैबिट, बट अगर कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता, जैसे हम जैसे लोग न्यूज़पेपर बिल्कुल नहीं पढ़ते थे, सो हमारे तरह बच्चों के लिए ये है कि यूट्यूब घाटो, यूट्यूब देखो। अब ये मत बोलिएगा कि भैया कोई चैनल बता दीजिए पर्टिकुलर, बिकॉज आई डोंट नो चैनल्स। अगर आपको कोई चैनल अच्छा लग रहा है, लाइक बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चे लोग पढ़ते हैं अलग अलग करंट अफेयर, तो आप कोई चैनल देख लीजिए, यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम देयर करंट अफेयर्स। तो अगर मैं करंट अफेयर की बात करूँ, तो अभी देखो फरवरी में आप लोग का नोटिफिकेशन आया है, डेट दिया है, तो फरवरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, फरवरी से लेके कंटिन्यू जब एग्जाम होने वाली है, मई में एग्जाम होने वाली है, तो मई का एग्जाम होने का ठीक दो हफ्ता पहले का जो भी करंट अफेयर आपको होता है मेजर करंट अफेयर, अब उसको ध्यान दीजिए बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि वहाँ से एक बहुत हाईलाइटेड रेलिवेंट टॉपिक आ जाते हैं, उस पर तो लोग उसको पूछते हैं, लाइक अवार्ड दे रहे हैं उसको, कोई न्यू चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट हो रहा हो, और एनी लैंडमार्क जजमेंट हैज़ हैपेंड रिसेंटली, अगर बहुत हाईलाइटेड में है, पब्लिक बात कर रहे हैं, कोई जजमेंट सुप्रीम कोर्ट दिया हो या फिर कोई पार्टिकुलर स्टेट का कोर्ट उसको जजमेंट दिया हो, तो उस विषय में मेरे ख्याल से आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्या पता जजमेंट दे दे, जजमेंट का कोई टॉपिक दे दे, उस जज का नाम पूछ दे, बिकॉज नाउ यू आर अ लीगल स्टूडेंट, गोइंग टू बी अ लीगल स्टूडेंट, तो आपको इस सारा चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। तो करंट अफेयर का ये है, स्पोर्ट का ध्यान रखिएगा, तो वही फरवरी से आप मई तक एग्जाम का ठीक दो हफ्ता पहले का आप करंट अफेयर अगर पढ़ के जाइएगा, कोई भी यूट्यूब चैनल देख लीजिएगा, आपको वहाँ से रेलिवेंट मिल जाएगा। तो करंट अफेयर का हो गया, इसका कोई पार्टिकुलर बुक बोलूँगा नहीं। उसके बाद अगर मैथ का भी सेम वही है, आपको एक आर एस अग्रवाल का बुक मिलता है, यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम देयर, इवन दो सो मेनी यूट्यूब चैनल्स सो देयर प्रिपेयरिंग दैट मैथ। मैथ का अगर बात करूँ, तो आप ये मत करिएगा कि सब कुछ पूरा आर एस अग्रवाल पढ़ने, तो पूरा आर एस अग्रवाल ही पढ़ लें, देख लीजिएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कि किस तरह का क्वेश्चन बन रहा है मैथ में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको मैं क्वेश्चन का सिनारियो बताऊँ, तो सी हम लोग 2021 में जब एडमिशन लिए, तो हमारे वक्त था कि 40% मैथ क्वेश्चन था, 30% जीके लीगल, वहीं पे सारे अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चन थे, 20% इंग्लिश लैंग्वेज था, एंड 10% करंट अफेयर या फिर बाकी चीज़ साइंस का क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन का सिनारियो कैटेगराइज था। ठीक उसके पीछे अगर हम लोग 2020 में जाए, तो 2020 में बस मैथ का 2-3 क्वेश्चन था, एंड टोटली वहाँ पे जीके था, लीगल था। ठीक है, अगर उसके पीछे 2019 में जाएँ, तो आपको देखने को मिलेगा वापस सिनारियो की मैथ पूछे 50% एंड 50% डिफरेंट, और सेम 2022 में डेप्स टोटली चेंज, सीयूईटी आके यहाँ पे लीगल पूछे ही नहीं, करंट अफेयर पूछे हैं, एंड दे प्लस वन न्यू सब्जेक्ट दैट्स कॉल्ड कंप्यूटर से पूछ रहे हैं। तो यू हैव टू प्रिपेयर मेंटली वेरी क्लियरली कि कुछ भी हो सकता है, ये नहीं कि इस बार तो 2022 में लीगल पूछे ही नहीं, तो हम लोग 2023 के लिए लीगल पढ़े ही नहीं, हु नोस, BHU NTA के ऊपर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, आई डोंट बिलीव, कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट के साथ, हम लोग बहुत फेस किए, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग ये फेस करें, तो NTA पर भरोसा नहीं किया जा सकता, सो दे कैन चेंज सो मेनी थिंग, तो आप लोग तैयारी करिएगा, आप लीगल पढ़िएगा जरूर, लीगल का स्टेटमेंट वाइज पढ़िएगा, कॉन्ट्रैक्ट टॉट, अगर आप कुछ नहीं पढ़ रहे हैं लीगल में, तो कॉन्ट्रैक्ट टॉट IPC ये तीन सब्जेक्ट जरूर पढ़ लीजिएगा। कॉन्ट्रैक्ट से आप लोग को स्टेटमेंट वाइज पूछते हैं फैमिलीज अटैचमेंट सारी चीज़ों को, टॉट से लीगल वर्ड्स पूछते हैं, जैसे बहुत सारे वर्ड है मुझे अभी याद नहीं आ रहा, तो बहुत सारे वर्ड है टॉट में जो उसको लीगल मैगजीन बोलते हैं हम लोग, उसको पढ़ लीजिएगा। उसके साथ आप पीछे कुछ कुछ सेक्शन जो पिछले साल पूछे थे, अगर सेक्शन पूछे तो उस सेक्शन को ध्यान रखिएगा, मेरे ख्याल से ये हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको सब कुछ बता दिया, जो भी बुक्स एंड सिलेबस हुआ करते थे, तो एक बार आप रिपीटली आपको मैं क्लियर करा देता हूँ। इंग्लिश के लिए आप SP बक्सी पढ़ लीजिएगा, इंग्लिश ग्रामर के लिए लॉजिकल रीजनिंग के लिए आर्य अग्रवाल बुक मिलती है, उसके बाद स्टैटिक जीके के लिए लूसेंट है जो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगा, करंट अफेयर के लिए
कोई बुक नहीं प्रेफर करूँगा, आप कोई भी यूट्यूब चैनल देख लीजिएगा 2-3 महीने का। एंड मैथ के लिए आर एस अग्रवाल, कंप्यूटर के लिए भी बुक मिलता है जो अरिहंत का ही मिल जाता है, कंप्यूटर अवेयरनेस करके बुक मिल जाता है अरिहंत का। हाँ, ये मैं आपको पिक्चर दे रहा हूँ, आप यहाँ से आप ये बुक है जो आप कंप्यूटर के लिए पढ़ सकते हैं। यहाँ से आपको छोटे मोटे जो जनरली जो बुक पहले पूछे तो उसको देख लीजिएगा और उसके हिसाब से किस किस टॉपिक से सवाल आता है उस हिसाब से तैयारी कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से सब कुछ हो जाएगा। सो या दिस इज़ द ऑल द स्टोरीज। अगर आपको मेरे ख्याल से अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। एंड ये पूरा ये वीडियो पूरा एक ग्रुप है हमारा जो एक छोटा सा वी हैव सो मेनी फ्रेंड्स जो हम लोग वीडियो बनाते हैं आप लोग के लिए। जब आप लोग क्लियर करके आई होप यू गेट क्लियर, तो अगर आप क्लियर करके आते हैं तो वी विल बी योर सीनियर, तो आप उनसे मिल पाएंगे। तो करते हैं, अगर जब भी हम लोग छुट्टी मिलता है या फिर वी गेट फ्री सो वी शूट सो मेनी थिंग, तो बस यही है। तो अगर आप यू नीड अगेन मोर इन्फॉर्मेशन तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको अच्छा लगता हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वापस नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।